हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल करियर फोकस सिलेक्शन स्पीक्स फॉर अस। माई सेल्फ सोनिया, योर कंप्यूटर फैकल्टी, एंड आई एम हियर विद अ न्यू लेक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइसेस पार्ट टू। ठीक है, कल हमने किया था आउटपुट पार्ट फर्स्ट, आज हम करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस आउटपुट पार्ट सेकेंड। सो कल हमने वो वाले हार्डवेयर डिवाइसेस किए थे जो कि हमें आउटपुट देते हैं किसकी फॉर्म में, हार्ड कॉपी की फॉर्म में। आई मीन टू से दैट जिसको हम टेंजिबल पार्ट जो होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो वाले पार्ट। आज हम करेंगे वो हार्डवेयर डिवाइसेस जो हमें देते हैं आउटपुट किसकी फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं हमारे, मोनीटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोनीटर, बाकियों को हम लाइटली पढ़ेंगे बट मोनीटर को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम मॉनिटर को देखें तो मॉनिटर की आउटपुट हमें कैसे मिलती है। जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं मॉनिटर हमें डिस्प्ले करता है, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट हमें डिस्प्ले करता है, हमें रिटन फॉर्म में मॉनिटर की स्क्रीन में या फिर फ़ोन की स्क्रीन में, किसी भी स्क्रीन में हमें दिख जाती है। ठीक है, अब मॉनिटर क्या है, मॉनिटर इज़ आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले ऑल वर्क डन एंड इमेजेस ऑन इट स्क्रीन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वीडियो। ये हमें याद रखना है, कुछ बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जिसको हम हाईलाइट करेंगे, उनको हमें याद रखना है। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड वीडियो, तो इसका क्या आंसर होगा, मोनीटर। इसका फुल फॉर्म एब्रीवेशन जो भी आएंगे आपको याद रखनी है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करता है अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, अब जो इमेजेस, जो हमें टेक्स्ट मिलता है या फिर इमेजेस मिलती है, इट फॉर्म्स इमेजेस ऑन टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। वो किसकी बनी होती है, पिक्सल्स की बनी होती है, छोटे 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 पिक्सल्स करके हमें जो इमेजेस स्क्रीन पर फॉर्मेशन इमेजेस फॉर्म होती है वो पिक्सल्स की बनी होती है। तो हम बड़ी बार वर्ड्स यूज़ करते हैं कि इसके पिक्सल्स अच्छे हैं, ये कैमरा के पिक्सल्स अच्छे हैं, ये कैमरा क्वालिटी अच्छी है, ये इमेज फट नहीं रही है। क्यों, वो किस वजह से होते हैं, पिक्सल की क्वालिटी की वजह से। वो जो शार्पनेस ऑफ इमेज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे पिक्सल पे। इमेज रेजोल्यूशन, इमेज क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, वो सब पिक्सल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोनीटर्स। ठीक है ना, सबसे पहला टाइप है मोनीटर का CRT मोनीटर्स। क्या टाइप है, CRT मोनीटर्स। क्या फुल फॉर्म है इसकी, कैथोड रे ट्यूब। CRT की क्या फुल फॉर्म होगी, कैथोड रे ट्यूब। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। ठीक है ना, और सेकंड फॉर्म हमारी आ जाती है फ्लैट पैनल मोनीटर, जो कि आजकल चल रहे हैं, नाउअडेज सारे के सारे फ्लैट पैनल मोनीटर्स ही चल रहे हैं। CRT मोनीटर्स हमारे होते थे पहले 1990s में, या फिर 2000 में, 2005 तक, 7 तक भी, 10 तक नियर अबाउट जो कि है हमारे CRT मोनीटर्स चल रहे। अभी भी हमारी पुरानी जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे पुराने मोनीटर्स, पुराने कंप्यूटर्स पड़े होते हैं। CRT मोनीटर्स आप देखते हैं जो कि आपके ब्लैक एंड वाइट टीवीज आते थे, जो कि पुराने ज़माने के, अभी भी बड़ा रेयर है, किसी घर में मिल जाएगा, बट अभी जो है सारे फ्लैट पैनल मोनीटर्स ही चल रहे हैं। ठीक है ना, इसमें भी दो फॉर्म आती है, LCD और LED। ठीक है, LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये एब्रीवेशन आपको सारी की सारी याद रखनी है, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे CRT मोनीटर्स को। ठीक है ना, अब क्या है हमारे CRT मोनीटर्स, जैसे कि ये पिक्चर शोन की हुई है यहाँ पे, ऐसे कुछ दिखते थे जो हमारे पुराने टाइप्स के टीवी या फिर मोनीटर्स होते थे ना, जो कि कंप्यूटर्स लगे होते थे हमारी कंप्यूटर लैब्स में, जब हम छोटे होते थे, हम पढ़ते थे ना, तो हम ऐसे ही कंप्यूटर्स हमारी लेबोरेटरीज में, कंप्यूटर लैब्स में लगे होते थे। ठीक है ना, ये देखिए, दीज मोनीटर्स इम्प्लॉय CRT टेक्नोलॉजी विच हैज़ यूज मोस्ट कॉमनली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीविजन स्क्रीन। सो इनमें वो स्क्रीन्स यूज होती थी जो कि हमारे टेलीविजन बनाने में यूज होती थी उस टाइम, पुराने टाइम पे। ठीक है ना, कैसे वर्क करते थे ये, ऐसे CRT स्क्रीन होती थी इनके सामने, और इनके बैक एंड पे, यहाँ पे
क्या लगी होती थी ये? ट्यूब, ट्यूब लगी होती थी यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन लगी होती थी, और ये सीआरटी स्क्रीन होती थी, ठीक है ना? सीआरटी स्क्रीन, ये इलेक्ट्रॉन गन यहाँ से इलेक्ट्रॉन फायर करती थी स्क्रीन पे, जो कि हमें यहाँ पे इमेज जो है डिस्प्ले होती थी, ठीक है ना? ये स्क्रीन होती थी, तो इसकी ये इमेज फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती थी जो इलेक्ट्रॉन गन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फायर करती थी कलर, वो हमें यहाँ पे, हमें एज अ इमेज स्क्रीन पर शो होती थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती थी ये यहाँ पे, ठीक है? आगे ये बड़े ही, ये इनके हर एक चीज़ का एक ड्रॉबैक होता, और इनका ड्रॉबैक ये था कि ये साइज़ में काफ़ी बल्की होते थे, जैसे आपको दिख रहा है ये बल्की होते थे, बहुत बड़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे साइज़ काफ़ी बड़ा होता था इनका। वाई सी आर टी मोनीटर्स कैन स्टिल बी फाउंड इन सम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी भी आप पुरानी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लो, तो वहाँ अभी भी आपको सी आर टी मोनीटर्स देखने को मिल जाएंगे, बड़े सारे मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, ठीक है ना? सो नेक्स्ट आगे हमारे LCD, ये फ्लैट पैनल मोनीटर्स होते हैं, ठीक है? थीके? कौन से होते हैं? फ्लैट पैनल मोनीटर्स, मोनीटर्स LCD। LCD को भी LED ने रिप्लेस कर दिया है, बट मैक्सिमम अभी भी LCD देखने को मिल जाती है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है? ये याद रखनी है, क्या है इसकी फुल फॉर्म? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कलर और मोनोक्रोम पिक्सल्स अगेंस्ट स्कीमेटिकली बिटवीन अ कपल ऑफ ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स एंड अ पोलराइजिंग फिल्म, ठीक है? इसकी भी गाइस फ्लोरोसेंट स्क्रीन ही होती है, ठीक है? लाइट के चक से चलती है ये, ठीक है? लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्शन होती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, तो इसकी इमेज, ठीक है ना? इसकी जो ये लाइट के इफेक्ट से चलता है। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि इसके जो रेजोल्यूशन है पिक्चर की, इतनी हाई क्वालिटी में नहीं है वो। आप अगर एक एंड से देखोगे ना, तो आपको वो पिक्चर सही दिखेगी, बट आप अगर आप उसको डिफरेंट डिफरेंट एंड से देखोगे ना उसी पिक्चर को, तो वो आपको इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिखती है, वो पिक्सल्स इतने ज़्यादा शार्प नहीं है, मतलब ये इतनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में हमें क्वालिटी नहीं देता है। लाइट वेट है एज कम्पेयर टू CRT मोनीटर्स, बट स्टिल अगर LED से कंपेयर किया जाए तो इसका इसका साइज़ भी बड़ा है और इसका वेट भी ज़्यादा है। हीट प्रोड्यूस करते हैं ये, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम CRT मोनीटर्स देखें तो ये हर एक तरह से बेटर है, बट अगर हम जब इसको LED से कंपेयर करेंगे तो इसकी ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है ना? दिस टाइप ऑफ मोनीटर्स डज हैव अ डिसएडवांटेज सच एज रिलेटिवली हाई प्राइस एंड इमेज क्वालिटी। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी इमेज क्वालिटी लो है एज कम्पेयर टू LED। एक एंड से देखने में आपको बिल्कुल सही लगेगी, बट जब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखोगे तो ये इमेज क्वालिटी काफ़ी लो देता है, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं LED मोनीटर्स, जो कि आजकल हर जगह पे, जैसे भी आप अपने कंप्यूटर्स खरीदने जाओगे या टेलीविज़न खरीदने जाओगे, TV आपको अगर घर में कुछ चाहिए, तो वो LED मोनीटर्स ही आ रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। CRT मोनीटर्स में और LCD मोनीटर्स में, दोनों में क्या यूज़ होती है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज़ होती है, बट LED मोनीटर में लाइट एमिटिंग डायोड्स यूज़ होते हैं, ठीक है ना? लाइटर इन साइज LED मोनीटर्स आर द लेटेस्ट टाइप ऑफ मोनीटर्स ऑन द मार्केट टूडे, ठीक है? आजकल अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इस टाइम कौन से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मोनीटर्स चल रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? LED मोनीटर्स चल रहे हैं, ठीक है? दीज आर फ्लैट पैनल और स्लाइटली कर्व डिस्प्ले इन इज मच मेक यूज ऑफ लाइट अमिटिंग डाइवर्स फॉर ब्लैक लाइटिंग, ठीक है? LED मोनीटर्स आर सेट टू यूज़ अ मच लेसर पावर देन CRT एंड LCD, ठीक है? जैसे जैसे सबको ये बात पता है कि जब भी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, वो कुछ ना कुछ अपने में डेवलपमेंट लाती है, तभी वो एडवांस कहलाई जाती है। जैसे CRT से लाइट वेट से LCD, अब जो LED है वो LCD से लाइट वेट है, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम कर रहे हैं, हीट कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हर एक तरह से ये LCD से बेटर है। और इसका सबसे ज़्यादा एक अच्छा वो है, जो कि LCD का ड्रॉबैक था,
कि ये हाई रेजोल्यूशन देते हैं, पिक्चर क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू LCD। द एडवांटेजेस ऑफ LED मोनीटर्स आर डैट दे प्रोड्यूस इमेज विद अ हाई कंट्रास्ट केस, जैसे मैंने आपको बताया, हैव लेस नेगेटिव इन मोर मेंटल इम्पैक्ट देन दिस बोज आर मोर ड्यूरेबल देन सी एट योर LCD मोनीटर्स एट फीचर्स अ हाई इन डिज़ाइन। ठीक है, इसके डिज़ाइन उससे बेटर आ रहे हैं, वो ज़्यादा फ्लैट आ रहे हैं, LCD से लाइट वेट आ रहे हैं। ठीक है ना, ये है हमारे LED मोनिटर जो कि आज की हमारी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी चल रही है। ठीक है ना, आगे आ जाते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस कौन से, प्रोजेक्टर्स और स्पीकर। ठीक है, अब हमें अगर कोई आउटपुट देखनी है, देख तो हम LED मोनिटर्स पे भी रहे हैं, फिर हमें प्रोजेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या फिर किसी कंपनी में जाते हैं, कोई मीटिंग चल रही है, ग्रुप ऑफ पीपल्स बैठा हुआ है, तो अगर एक छोटा सा मोनिटर लगा होगा आगे, तो इतने सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि उस स्क्रीन, छोटी सी स्क्रीन के ऊपर सब कुछ पढ़ना या किसी भी डिज़ाइन को देख पाना या समझ पाना, तो उसके लिए प्रोजेक्टर्स काम करते हैं। प्रोजेक्टर्स क्या करते हैं, ये इमेज को रिफ्लेक्ट करवाते हैं किससे, किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर, बट काफ़ी बड़े साइज में। ठीक है ना, कोई भी फ्लैट सरफेस या फिर वॉल हो जा रहे हैं, फिर कोई भी फ्लैट सरफेस वाइज उसमें एज अ स्क्रीन ये प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्ट करवाते हैं, ताकि वो सभी ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी लोग बैठे हुए हैं कंपनी में या रूम में, उसके लिए विजिबल हो। ठीक है, बिकॉज एक छोटी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी समझ पाना या देख पाना पॉसिबल नहीं है सबके लिए। ठीक है, तो प्रोजेक्टर किसी के लिए काम होते हैं, या फिर क्लास ही ले लो हमारी, किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन चल रही है, 100 या फिर 200 स्टूडेंट्स की क्लास चल रही है, उनका कुछ हो रहा है या फिर कुछ प्रेजेंटेशन दी जा रही है उनको इकट्ठे, तो अगर एक छोटा सा आगे मॉनिटर लगा दिया जाएगा या कंप्यूटर लगा दिया जाएगा, तो जो इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा हर एक बच्चे के लिए कि वो स्क्रीन उनको विजिबल हो सके, तो इसीलिए प्रोजेक्टर उनके हिसाब से बहुत ही हमें बेटर कंडीशन है कि हम काफ़ी ग्रुप ऑफ पीपल्स को इकट्ठे पढ़ा सकें। आगे स्पीकर हमें आउटपुट देते हैं किसके फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, मतलब हमें वॉइस के फॉर्म में, या हम म्यूज़िक हो कह लो या फिर कुछ भी कह लो, उसके फॉर्म में हमें ये आउटपुट देते हैं। ठीक है, ये कैसे वर्क करते हैं, CPU के अंदर एक साउंड कार्ड लगा, अगर स्टूडेंट्स अगर वो साउंड कार्ड ना लगा हो तो हमें जो म्यूज़िक है या फिर वॉइस है वो सुनाई नहीं देगी, वो साउंड कार्ड ही इनेबल करता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, तभी हमें वो साउंड किसी म्यूज़िक के फॉर्म में या फिर एनी वॉइस के फॉर्म में सुनाई देती है। सो स्पीकर हमें किसके फॉर्म में देता है, साउंड के फॉर्म में आउटपुट देता है। ठीक है, ये हो गए आज के हमारे आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस, जो कि हमें आउटपुट देते हैं किसके फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, इनटेंजिबल फॉर्म में। ठीक है, ये आज के ये लेक्चर्स हमारे मैक्सिमम हो चुके हैं SI के लिए। SI का सिर्फ एक ही लेक्चर बचा है, क्या, इंटरनेट और उसके यूजेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके बाद SI का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के हिसाब से पूरा कवर अप करेंगे।